भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स के इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। जयशंकर अभी हाल ही में जापान का अपना दौरा जो है वो कंक्लूड करके आए हैं, और वो यही कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करता, और ये चीज़ वो कहते हैं कि ये एक तो जिसे वो कहते हैं ना इंडिया जापान 10th स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को वो अपग्रेड करने गए हुए थे, और नया एजेंडा तय करने गए थे कि इंडिया और जापान ने कैसे मूव ऑन करना है, जापानीज इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर कैसे लेके आना है, और इंडिया अपनी जो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है जो अपनी मैन पावर को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन कौन ज़्यादा परेशान है, इंडिया जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयरनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देर इज़ ए पॉसिबिलिटी और देर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक जारी बात है आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये 2000 जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामला ख़राब हुए, तब से चाइना इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारत में बॉर्डर को और आर्मी को मजबूत करने के लिए आए दिन तमाम काम किए जा रहे हैं, और इनको मजबूती प्रदान करने के लिए तरह तरह के स्ट्रेटजी अपनाए जा रहे हैं, और खासकर हमारी ओर से पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और चूंकि ये दोनों ही देश हमारे देश को, भारत को बर्बाद करने का ख्वाब जो है आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ये दोनों देश इस पर निगाह लगाकर बैठे हुए हैं और बर्बाद करने की पूर्ण रूप से कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान चूंकि हमसे निकला था तो उसने हमसे दुश्मनी कर ली, और उसने जो है कश्मीर वश्मीर को मुद्दा बनाकर और हमें ही दुश्मन बनाकर और मुद्दा बनाकर उसने इधर उधर से तमाम डॉलर कमाए और तरह तरह की हमारे ऊपर इल्जामात लगाते रहा, और हमारे ऊपर मतलब जो उससे बन पड़ा उसने हमें दुश्मनी के उसमें लेने के लिए किया। इसके बाद में अब चाइना ने भी यही किया। चाइना चूंकि हम जानता था कि अगर ये देश डेवलप हो गया तो कल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तो उसने भी पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, और लोगों से जो भी छोटे मोटे देश हैं जो भी भारत से थोड़ा सा दुश्मनी का भाव रखते हैं तो उसने उन्हें शिकार बना लिया और उसने अपना मित्र बना लिया उन्हें, और उसके बाद में भारत पर नकेल कसने की कोशिश करता रहा शुरुआत से। अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे जब से मोदी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार ने इन सब चीजों पर खासा ध्यान दिया है दोस्तों, और उन खासकर आर्मी को मजबूत करने के लिए और बॉर्डर को मजबूत करने के लिए इस सरकार ने काफी काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कई साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी भारत में, तब आप देखते रहे होंगे टीवी पर अक्सर कि आज यहाँ पर कश्मीर के उधर पुंछ जिले में और कहां कहां जहां भी पाकिस्तान का बॉर्डर था सीज फायर होता, आए दिन आपने सुना होगा सीज फायर। लेकिन अब आपको ये सब घटनाएं नहीं सुनने को मिलेगी, तो इसका कहीं ना कहीं जरूर ये मतलब निकलता है कि सरकार ने जो है मजबूत किया है अपनी आर्मी को, इस कारण से सीज फायर होना बंद हो गया है। करारा जवाब दिया कई बार, सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब करके मुंह तोड़ जब जवाब दिया गया तो ये सब घटनाएं बंद हुई, वरना बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे ही अब चाइना की तरफ भारत का फोकस बढ़ाया जा रहा है, और चाइना के बॉर्डर पर, चाइना भारत के बॉर्डर पर अभी हाल में 10,000 सैनिकों को भेजा गया है। वहां पर इतनी ज्यादा तादाद में सैनिकों को रखने के कारण अब चाइनीज को टेंशन हो रही है कि ये कोई बात नहीं हुई, आप इस तरह से बॉर्डर पर इतने सारे सेना को लगा रहे हैं, क्या हमने कोई युद्ध करना है? लेकिन ये हमारी एक खौफ है उनके दिल में कि हमने इतना आदमी लगा रखा है वहां पर, इतने हमने अपने सैनिक भेज रखे हैं वहां पर कि तुम ची पू नहीं कर सकते वहां से, तुम अब वो सारी चीजें और या तुम जो दिमाग में लेकर बैठे थे कि हम थोड़ा थोड़ा एक एक इंच कब्जा करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो सारी चीजें अब कंट्रोल में होंगी, हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप हमारे सरहद के इस बार आएंगे, आप हमारे टेरिटरी में आकर हमारी जमीनों को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी तैयारी धीरे धीरे मजबूत हो रही है आपको करारा जवाब देने के लिए, और इस बार अगर युद्ध होगा
तो चाइना का वो हाल हो जाएगा कि आप समझ सकते हैं कि समझ लीजिए आज जितना चाइना है उसका आधा नहीं बचने वाला है, चाइना आधा से नीचे चले जाएगा अगर आज के टाइम पे युद्ध हुआ तो। फिलहाल ऐसा ना हो, ये हमारी इच्छा है कि ऐसा ना हो, हमें कभी युद्ध ना करना पड़े किसी से, तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर होता है तो ऐसे में चाइना को अब ये सब टेंशन हो रही है, भारत अब चूंकि उससे आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है तो इससे चाइना को काफी दिक्कत हो रही है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कंट्री विच डज नॉट गो विद द रूल्स ऑफ द गेम एट द सेम टाइम, देखें जापान से इन्वेस्टमेंट भी लेने गए थे और साथ ही साथ अपने जो इंडियंस हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेने गए थे और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि ग्लोबल साउथ में हम ही वो मुल्क हैं जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं और जो कलेक्टिव वॉइस है ग्लोबल साउथ की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो टोक्यो में बैठ के ये कह रहे थे कि टोक्यो नहीं रिप्रेजेंट करता, हम करते हैं। और द कंट्री विच नॉट फॉलो द रिटन एग्रीमेंट्स, हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट कंट्री। मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ जो हाल ही में जापान में आई थिंक रायजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। सो इंडिया के वो समझते हैं कि अब हमारे पास ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आई थिंक आई डोंट नो इफ इंडियन मीडिया हैज़ पिक्ड इट और नॉट, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 साल भी मोदी की हुकूमत आ रही है और शायद उसके बाद भी जो है वो मोदी की हुकूमत होगी। दिस इज़ वॉट ही मैंशनड। So and definitely he is representing the government of the Prime Minister Modi and he is now a politician. He is no more a technocrat. He is no more a diplomat. He is a chief diplomat, top diplomat, but he is no more diplomat. तो just नहीं है, कोई सरकारी मुलाजम तो नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है लिए। सो इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है, S-400 भी इंडिया ने ख़रीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी ख़रीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंटरऑपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयरनेस तो मौजूद है। इंडिया बार बार दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजने पड़ रहे हैं। और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कंटिन्यूसली नाकाम होती जा रही है। ये चीज़ें जो हैं ये जारी बात है इंडियंस को ये परेशान करती हैं इन अ सेंस, इस सेंस में कि भाई चाइना जो है वो बड़ी पावर है, वो चीज़ों को डोमिनेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो सिचुएशन है इसके, ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स रीपोजिशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे, जब ये 2020 में मसला बना था। और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर बंदा जो है बड़ा अलर्ट था और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी। और जैसे ये बातें कल डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि लैंड एयर और सी से हम हर तरफ से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन दुनिया समझती है कि चाइना जो है वो लैंड एयर सी से नहीं करेगा, वो कहीं और से इंडिया पे अटैक करेगा अगर वो करेगा तो। सो इज़ इंडिया रेडी फॉर दैट, यू नो दीज आर क्वेश्चंस विच पीपल इन द मिलिट्री डोमेन दे डू आस्क एंड इस तरह की डिस्कशंस होती रहती। लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अकलमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। सो कारोबार बंद ना करना इज़ अकलमंदी।
अगर कारोबार बंद हो जाता तो ये बेवकूफ़ी होती। एंड बट सम हाउ बोथ द लीडरशिप हैव शोन मेच्योरिटी ऑन ऑन दिस। लेकिन ये अब देखे ना कि कहा जाता है कि 21 के करीब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के जो राउंड्स हैं वो हो चुके हैं, 21 के करीब। ये थोड़े राउंड्स नहीं होते हैं। और जापान के हवाले से इंडिया को बस एक ही चीज़ चाहिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। एक तो बड़े करीबी ताल्लुक तो इनके हैं, क्वाड मेंबर भी हैं, मैरिटाइम पावर भी हैं, फिर जापान के ज़रिए वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स पूरे खित्ते में करवा रहे हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड पर्टिकुलरली वो जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं। देखें, अब ये होता है कि यू क्रिएट फियर, सो इंडियंस क्रिएट फियर विद इन द जापानीज एंड विद इन द अमेरिकन्स। अमेरिकन तो खैर कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर खौफ डालने की कोशिश करें, लेकिन जो इंडियंस हैं दे हैव पुट फियर इन द जापानीज दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश टू रिजिस्ट द चाइनीज प्रेशर।